दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को कभी नहीं डुबा सकता, जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता, जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति ना दे। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जहाँ चार लोगों में बैठकर आप मजे ले लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहाँ से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। स्वयं पर भरोसा करो, यह आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगा। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हमें दूसरों के बारे में उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हम खुद अपने बारे में सुन सकते हैं। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। खुद को अपनी नज़रों से गिराना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें ना समझे तो उन्हें समझाना छोड़ दो। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने से हो सकते हैं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। कहने को शब्द नहीं, लिखने को भाव नहीं, दर्द तो हो रहा है दोस्त, लेकिन दिखाने को घाव नहीं। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। खुद के लिए भी सोचा करो दोस्त, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई नहीं पूछता। मन को झुकाना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या, अपना ही रिश्तेदार होता है। किसी से अपने दिल की बात तू कहना ना भूल से, यहाँ खत भी थोड़ी देर में अखबार होता है। ये पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं है। कर्म का सब खेल है, यहाँ लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। जुबान कोबरा के जहर से भी जहरीली होती है। जब ये डसती है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं, जिंदगी को भी बेजान कर जाती है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बददुआ। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड न करे और बुरे वक्त में सब्र ना छोड़े। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, और मन से कोई आपको याद करे ये परम सौभाग्य है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी और ईमानदारी से अपने ही लोग जीने नहीं देते। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन नसीब से छीनकर नहीं। झुकने का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि आपने सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है।
प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद इनमें से एक है। इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी ज़िंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी ज़िंदगी से चला जाए। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां साहब, मोम को भी रोशन होने के लिए पिघलना पड़ता है। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। दो हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं।